नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा। मौजूद वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है, जिसके बाद से प्रदेश संगठन पर सवाल उठ रहे हैं। आपका विपक्ष का रोल धारदार करना है, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हार पर हार, मंथन बार बार। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार दो चुनावों में हार का सामना कर चुकी है। इस बार की हार ने प्रदेश संगठन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर बार हार के बाद चिंतन मंथन किया जाता है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात, यानी हार और हार, बैठक पर बैठक होती है। हार के कारणों पर चर्चा की जाती है। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस बार दिग्गज नेता अपना गढ़ तक नहीं बचा पाए। इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, कितनी लंबी हार हुई है, ये भी एक सोचने की बात है। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस ने और बड़ी गलती कर दी, नोटा को प्रत्याशी बनाया। चिंतन मंथन फेल हर बार। आने वाले समय में कांग्रेस को संदेश दिया है मध्य प्रदेश की जनता ने कि आपको आपका विपक्ष का रोल धारदार करना है और संगठन को चुस्त दुरुस्त करना है, नई सोच का करना है। बहाने हजार, कौन है जिम्मेदार? पार्टी और संगठन को एक मजबूती के साथ नए सिरे से खड़े करने की आवश्यकता है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। सबको बैठ के आने वाले समय के बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर हम इतने कमजोर क्यों रह गए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कांग्रेस की करारी हार के बाद अब मंथन और चिंतन चल रहा है। विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी, क्या वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करना कांग्रेस को भारी पड़ गया? आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा इसी पर। तो खैर, हार को लेकर कांग्रेस में मंथन किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में खास मेहमानों से हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल देख लेते हैं। महाडिबेट आज किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी? पहला सवाल रहेगा हार पर मंथन, क्या बनी रणनीति? दूसरा सवाल रहेगा चिंतन पर चिंतन, फिर आखिरकार क्यों हो रहे हैं फिर? इतना चिंतन कर रहे हैं तो उसका निष्कर्ष कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं निकल पा रहा? तीसरा सवाल रहेगा कमजोर संगठन तो कैसे बनेगी बात? हमारे साथ महाडिबेट में आज खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको तमाम वो चेहरे नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता है अजय सिंह यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता है भूपेंद्र गुप्ता, जयंत वर्मा है राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी जी भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी, मंथन हो रहा है, देश के नतीजों को लेकर कांग्रेस उत्साहित भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस को शून्य मिला है उसको लेकर क्या निष्कर्ष पार्टी निकाल पाई है अब तक? प्रणय जी, अगर आप क्षमा करेंगी तो मैं थोड़ा आपका उत्साह कम कर दूं। 11 राज्यों में बीजेपी शून्य है, आपको पता है कि नहीं? अच्छा, 11 राज्यों में उनका सूपड़ा साफ हो गया है। थोड़ा इतना जो है किसी भी पार्टी को इतना नीचे मत दिखाइए। 11 स्टेट्स, नॉट वन, वहां पर जीरो है। तो और जो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में इनको जीरो कर चुके हैं। 84 में 40 में से 40 सीटें हमने जीती थी, और जो ये 400 पार की दुकान लगाई हुई थी हुजूर आला ने, ये 400 भी हम पार कर चुके हैं 1984 में। अकेले हम ही ने पार किए हैं अभी तक। तो हमारी पार्टी जो है, एक असफलता कोई पार्टी को जो है ऐसे डिस्काउंट नहीं कर देती। हम जो है खड़े होंगे, फिर से खड़े होंगे, और हर पार्टी जो है चिंतन और मंथन करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 55 साल मंथन किया है, हर बार हारते थे वो, और हम जो है हम भी हार रहे हैं तो हम भी मंथन करेंगे। इसमें इसकी हंसी उड़ाने की क्या बात? सर, हंसी नहीं उड़ाई मैंने भूपेंद्र गुप्ता जी, बात तो यहीं पर ये हो रही ना कि देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को फायदा हुआ है, इसीलिए आज कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी को, एनडीए को आंखें दिखा पा रही है, सवाल खड़े कर पा रही है।
जब ऐसी परिस्थितियां पूरे देश में बना ली कांग्रेस संगठन ने, तो मध्य प्रदेश में क्या हो गया जहां पर जनता मुखर थी बीजेपी को लेकर, अग्निवीर को लेकर नाराजगी थी, बेरोजगारी की चर्चा थी, परीक्षा लीक को लेकर सवाल थे, भर्ती घोटाले को लेकर सवाल थे, लेकिन संगठन की चूक कहां रह गई कि उन तमाम सवालों को वोटों में तब्दील नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर? इसीलिए तो हम रिव्यू करेंगे, इसीलिए तो हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, इसीलिए तो हम रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे। और सवाल ये भी है, अभी तो बीजेपी तो सरकार बना रही ना देश में, इसके बाद 11 राज्यों में डबल एजेंडा क्यों ले आए? ये जो है, कहीं पर हम हारते हैं, कहीं पर जीतते हैं, कहीं पर हमें स्ट्रेंथ मिलती है, कहीं पर नहीं मिलती है। ये इसको ऐसे देखना कि एक फोकस हमने पकड़ लिया और उस फोकस पर हम किसी को डैमेज करने लगे, अच्छी बात नहीं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी निरंतर, अभी आप इस चुनाव की जो है माइक्रो एनालिसिस करें, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की वोट परसेंटेज घट गई है, हमारी वोट परसेंटेज बढ़ गई है। आपको पता है कि हम 27 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, बीजेपी जो है 29 सीटों पर चुनाव लड़ी है। अगर आप इसमें से जो है शंकर लालवानी के जहां हमारे कैंडिडेट हटा दिए गए, और जहां पर जाओगे, अगर जहां हमारा कैंडिडेट को जो है उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, वहां की वोटों को माइनस कर दें, तो बीजेपी 6% से नीचे है और हम जो है 2.5% से ऊपर है। लेकिन ये एनालिसिस जो है सूट नहीं करती बहुत सारे लोगों को, क्योंकि जो है ये वास्तविकता दिखाती है किसी पार्टी की, उसकी हैसियत भी बताती है। ठीक है, यहाँ पर 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने का दावा किया गया था, लेकिन जो है 35% बूथ पर 370 वोट भी नहीं मिले। ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आप ही किसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए सवाल मैं अजय सिंह यादव से यही पूछना चाहती हूं कि 370 हर बूथ पर वोट बढ़ाने का की बात, देश में 400 पार का नारा तो छोड़ ही दीजिए आप, लेकिन प्रदेश के अंदर 68 से 70% आप वोट प्रतिशत लेकर जाएंगे, वीडी शर्मा ने खुद ये बात कही थी, कहां पीछे रह गया आपका कमिटमेंट अजय सिंह यादव जी? 58 परिसिमट कर रह गए आप लोग तो। देखिए अपर्णा जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और मजबूती के साथ लड़े हुए चुनाव का परिणाम भी हमारे सामने है। आप स्वयं सोचिए कि हमारे विपक्षी पार्टी के मत हमसे आधे हैं, तो इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? और सभी सीटें हम जीत कर आए हैं, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जमीनी सच्चाइयों से चुनाव के पहले दूर थी, अभी भी दूर है, और हम तो उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि हमेशा इसी तरह दूर बने रहे। आप विधानसभा चुनाव से भी अगर एनालिसिस करें, तो जहां कांग्रेस के 66 विधायक थे विधानसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी के 165 विधायक थे, अब लोकसभा चुनाव में केवल 16 विधानसभा क्षेत्रों में लीड बची है कांग्रेस पार्टी की। यहाँ तक कि ना कहीं मतों में परिवर्तन हो पाया, और मतों के प्रतिशत में भूपेंद्र गुप्ता जी नोटा के मतों को जोड़ना चाहते हैं, अलग अलग तरह के आंकड़े देना चाहते हैं। आपके नेता अजय सिंह राहुल स्पष्ट तौर पे कहते हैं कमलनाथ और जीतू पटवारी जिम्मेदार हैं इस हार के लिए। एक बड़े नेता जो अपने पुत्र के साथ पार्टी छोड़ के जा रहे थे, उनकी वजह से पार्टी टूटी। आप इन बातों का कब जवाब देंगे? दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की हालत तो ऐसी हो गई कि ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। उन्होंने सोचा या तो चुनाव में कुछ तुक्का लग जाए और हार भी जाएंगे तो ईवीएम की वो 2-3 पेटी लेके बैठ जाएंगे कि ईवीएम की वजह से हार गए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा परिणाम आया कि ईवीएम के ऊपर भी दोषारोपण नहीं कर पा रहे हैं। जीतू पटवारी अपने स्वयं के गृह क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं बचा पाए, और उसके बाद आप नोटा के लिए वोट मांगते रहे, ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष कभी रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है, और सभी मतदान केंद्रों का आ जाने दीजिए प्रतिशत। अब आप कहें कि साहब वोट कम डले तो आपके 370 बढ़े या नहीं बढ़े, आप 1-2 नंबर भी नहीं ला पाए, और हमारे 90-95% अंकों में आप एनालिसिस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आंखों की धूल कब हटाएगी? हमेशा आईने ही साफ करती रह जाएगी क्या? मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी संगठन देश का उत्कृष्ट संगठन है। 1984 में भी कांग्रेस को इतने वोट नहीं मिले थे जो कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में आपको आवश्यकता हो गई। कमलनाथ को हराने के लिए करीबियों को तोड़ लिया, सक्सेना पिता पुत्र को तोड़ लिया अजय सिंह यादव जी। उत्कृष्ट कार्यकर्ता नहीं आया था आपका अकेला।
देखिए कांग्रेस पार्टी तो जब बड़े बड़े नेता जाते हैं तो कांग्रेस कहती थी रिजेक्टेड लोग हैं, हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, इनके पास ना लोग हैं ना वोट हैं, ये तो पार्टी पे बोझ थे, अब हम तो नए लोगों को आगे लाने वाले हैं। तो परिणाम ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करती है और अन्य दलों में भी जो प्रतिभाशाली लोग हैं जिनका जनाधार है वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उन्हें सम्मान देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जीत में बड़े पैमाने पर जो लोग जुड़े हैं उनका भी योगदान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच कमलनाथ जैसी छोटी सोच नहीं है कि 40 साल जीते तो छिंदवाड़ा मॉडल हो, हारे तो बोले जनता बिक गई, नेताओं ने पैसे बांट दिए, छिंदवाड़ा के वोटर बिक गए, ऐसी सोच नहीं होना चाहिए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। ठीक है जयंत वर्मा जी, आप क्या देख पा रहे हैं? एक तो कहा यह गया है और हम देख भी रहे लगातार जब से रिजल्ट आउट हुए हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर हर बड़ा नेता जो कल तक पीछे था वो आगे आ रहा है और नतीजों के पीछे का कारण गिनवा रहा है। इसमें हम नई टीम की भी बात कर ले, पुरानी टीम की भी बात कर ले या उससे पुरानी टीम की भी बात कर ले, सवाल यहीं पर यह उठता है कि अगर इस तरह संगठन में फूट रहेगी तो संगठन मजबूत कैसे होगा, कार्यकर्ताओं का मोरल अप कैसे किया जाएगा? देखिए अपर्णा जी, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तो ये बात है कि जब चुनाव के लिए कैंडिडेट का चयन हो गया था बहुत सारे, तो उनका नाम डिक्लेयर करने में बहुत देरी की इन लोगों ने। और दूसरा ये था, कमलनाथ जी वैसे कहते भी रहे कि यदि जिनके नाम फाइनल हो गए हैं तो उसको डिक्लेयर कर दो, तो वो एक डिक्लेयर करने में दिक्कत रही। दूसरा ये रहा कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता यहाँ पे मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, विरोधी दल के नेता भी बाद में रहे कमलनाथ जी, पर उनका ये था कि वो अब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और 15 दिन तक यही मचा रहा पूरा मीडिया में और हर जगह कि भाई वो पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और उनने इसका खंडन नहीं किया। तो इसके कारण बहुत सारे लोग डिमोरलाइज हो गए, उनने कहे कि भाई अब पार्टी में कुछ रखा नहीं है, और एक के बाद एक सब जगह लोग पार्टी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने लगे। तो आम आदमी को अब ये लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी में अब कुछ रह नहीं गया, और एक तो जो सीट थी वो सीट भी खुद उन्हीं कमलनाथ जी और उनके लड़के उनके रवैये के कारण वो सीट भी चली गई। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है आज जो जरूरत है कांग्रेस की वो ये है कि दिग्विजय सिंह 10 साल तक रहे पर उन्होंने यहाँ संगठन नहीं बना पाए, तो एक संगठन बड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा। और जो मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी है, किसान का मुद्दा है, महंगाई है, इसको लेके लगातार सड़क पे उतर के आंदोलन करने पड़ेंगे, एक नया कैडर पूरा डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हर जिले में आपको एक संगठन का एक कोई केंद्र बनाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, पुराने जो नेता हैं उन लोगों के पास जाके उनका मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं तब तो। यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, पुराने सांसद विधायक वो भी कहते हैं भाई हमसे तो कुछ चर्चा ही नहीं होती है आजकल। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना जयंत वर्मा जी कि पुराने नए तो जो खिचड़ी पकी हुई है इसके अंदर, पुराना नेता चाहता ही नहीं कि नया नेता आगे बढ़ जाए। दिग्विजय सिंह के बूथ पर ही मैं पढ़ रही थी कि जो अरुण श्रीवास्तव है वो उस बूथ पर भी हार गए, दिग्विजय सिंह राजगढ़ में सीमित रह गए, छिंदवाड़ा में कमलनाथ सीमित रह गए, उसके बाद वो बाहर निकले तो क्या ही किया। जी जयंत जी अपनी बात कम्प्लीट कीजिए फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। हाँ ये बात बिल्कुल जरूर है कि यहाँ के जितने बड़े नेता थे वो चाहे जबकि सबसे ज़्यादा लोगों से पहचान और लोगों के साथ संपर्क जो थे वो दिग्विजय सिंह के थे, पर अपने राजगढ़ में उलझ के रह गए वो, कमलनाथ जी अपने छिंदवाड़ा में उलझ के रह गए, तो जो जीतू पटवारी हैं वो और वो मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, ये इनके एक दो बार वो हुए, परंतु ये एक दिन की या 15 दिन की के आपके प्रयास से या आपके जो भी आप करेंगे उससे मत में परिवर्तन हो जाएगा पूरा का पूरा, आपका जो विचारधारा है वो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बड़ा सस्टेन्ड आपको एक तैयारी करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस ने जब अपने खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो रवैया अपनाया और उसको छोड़ के चले गए तो वहीं से कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हो गया था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेज दिए जाता, हमारे दिग्विजय सिंह अपनी सीट छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब वो उसके कारण वो चले गए वहां पे और उसके बाद पूरा का पूरा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। शरद जोशी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में
ऐसे चुनाव के कवरेज के दौरान मुझे ऐसे कई युवा मिले जिन्होंने अपने सिर्फ माता पिता के मुख से सुना था कि दिग्विजय की सरकार में क्या हुआ था, सड़कों पर गड्ढे थे या गड्ढों पर सड़कें थी, जो हम एक कहावत इस्तेमाल की जाती है कांग्रेस सरकार के लिए। लेकिन वो युवा वोटर्स वो देखते आए हैं सड़क, वो देखते आ रहे थे बिजली की व्यवस्था, लेकिन उनके मन में बेरोजगारी को लेकर, नौकरी को लेकर, परीक्षाओं को लेकर तमाम सवाल थे। ऐसे युवा वोटर्स एक बेहतरीन मौका था कांग्रेस के लिए कनेक्ट करने का, लेकिन कांग्रेस चूक गई उसमें। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपका जो आकलन था लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मामले में 0-29 का, वो पूरी तरह से सही रहा और किसी को विश्वास ही था कि 0-29 का आंकड़ा सही हो सकता है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कैडर पार्टी है, इसके साथ कई संगठन भी जुड़े हैं जिनके कई कार्यकर्ता है, कई संगठन हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का जो अच्छा मौका था कि बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगार महंगाई जैसे मुद्दों को वो उठाती, लेकिन वो उठा नहीं पाई और उसका लाभ इन्होंने मिला नहीं। जबकि अच्छा दूसरी ओर यह बात भी है कि लगातार कई वर्षों तक सत्ता में रही भारतीय कांग्रेस, लेकिन संघर्ष की भावना उसमें नहीं रही और कभी सड़क पर आंदोलन जो करना चाहिए था नहीं किए पिछले 10 सालों में। यही कारण है कि जुझारूपन कांग्रेस का खत्म हो गया, कार्यकर्ता जुड़ नहीं पाए, जो नेता थे वो मठाधीश थे, वो कुछ करना नहीं चाहते थे, लोगों को आगे बढ़ाया नहीं, और जिला और तहसील स्तर पर भी जो कार्यकर्ताओं में जुझारूपन वो नहीं हुआ, और जो लगातार ईडी के और सीबीआई के जो छापे पड़े उससे भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जो बड़े अपने आप को नेता कहते थे उनका मॉरल डाउन हुआ। अंतिम समय में तो कमलनाथ जी का भी छापा पड़ा तो वहाँ भी उनका उस क्षेत्र में उनकी इमेज खराब हुई। इस प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस को यदि मध्य प्रदेश से पुनर्जीवित करना है तो उन्हें पूरे नेतृत्व को परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे राज्यों में जो कांग्रेस को सफलता मिली वो मध्य प्रदेश में नहीं मिली। ये बड़े सोचनीय विचार है, अभी भी समय है क्योंकि गठबंधन की राजनीति ज़्यादा दिन चलती नहीं है, कब मध्यावधि चुनाव हो जाए कहा नहीं जा सकता। यदि मोदी जी के नेतृत्व में तो सरकार बनी है और शिवराज जी ने भी मध्य प्रदेश में, उसके बाद मोहन यादव जी ने भी जो योजनाएं लोक लुभावन योजनाएं लागू की उसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में चुनाव में मिला है, उसके बाद लोकसभा चुनाव में मिला है, और यही इनकी योजना इस प्रकार से क्रियान्वित होती रही और लोग लाभान्वित हुए। कांग्रेस के पास मौका है और ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस के पास जो उसका अपना वोट बैंक है वो छिटका है, वो बना हुआ है, जो कांग्रेस की विचारधारा में वोट डालने वाले जो परिवार है वो बने हुए हैं। बड़ी बात यहाँ पर भूपेंद्र जी, आप तमाम राज्यों का एग्जाम्पल देंगे लेकिन मध्य प्रदेश की बात मैं करूंगी, खासतौर पर इंदौर का, इंदौर की मैं बात करूंगी। इंदौर में जब कांग्रेस ने जमकर प्रचार किया जनता के बीच की नोटा को वोट डालिए, तो उसका परिणाम हमने देखा। कार्यकर्ता लड़ने को तैयार हैं, बस उन्हें एक पुश चाहिए, शायद हो सकता है संगठन की ओर से। जी ये जो हमने नोटा का प्रचार किया है तो नोटा का रिजल्ट सामने, आज देश का सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है वहां से बना है। और भारतीय जनता पार्टी जिस महान कार्य के लिए गौरव करती है कि उन्होंने हमारे कैंडिडेट को विथड्रॉ करा दिया, उसकी निंदा तो जो है लोकसभा की जो है पूर्व स्पीकर तक ने की है, सुमित्रा महाजन तक ने की है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही क्यों जम जाता है? चर्चा करें कि नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के मूल्यों पर ये पार्टी जो है कितनी अनैतिक है और किस तरह से जो है कि ये हिंसक तरीके से ये सारे जो है कामों को अंजाम देती है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस कानून को बनाने में शामिल थे जिसे दल बदल कहते हैं और इसे देश ने अपराध माना और उसकी एक व्यवस्था तैयार की, और एक पार्टी जो है उन्हीं की पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक अभियान के तौर पर दल बदल का काम करती है। जी भूपेंद्र जी से हम वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी अजय जी, आप लोगों ने न्यू ज्वाइनिंग टीम ही खोल दी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी से तोड़ने के लिए।
देखिए अपर्णा जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में भ्रम फैलाया था कि उनकी सरकार बन रही है, तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने एक बड़ा सा तंबू बनाया था जिसमें प्रतिदिन कांग्रेस में कार्यकर्ता ज्वाइन होते थे। उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कभी नहीं माना कि ये ज्वाइनिंग गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी तक भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, तो कांग्रेस पार्टी को उस समय वो ज्वाइनिंग ठीक लगती थी। ये कांग्रेस का दोहरा रवैया है। कांग्रेस पार्टी सोच नहीं पा रही है कि वो जमीनी सच्चाइयों से दूर है। जो भी व्यक्ति पूर्णकालिक राजनीति करेगा वो कांग्रेस की नीतियों के साथ नहीं रह सकता है। कांग्रेस पार्टी की नीतियां जन विरोधी हैं और चुनाव परिणाम इसकी पुष्टि करती है। और मध्य प्रदेश में तो ना नेता है, ना नीति है और ना नियत है। वो इंदौर में आप बार बार बोलते हैं 2 लाख वोट नोटा को मिले तो वही कांग्रेस पार्टी को मिल जाते, और हमारे वोट पिछली बार 10 लाख थे, वहां से बढ़ के 11.5 लाख हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। कांग्रेस पार्टी भाजपा का एनालिसिस कर रही है जबकि भाजपा के 141 सांसद ज़्यादा है कांग्रेस से, और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि मुझे लगता है कि इतिहास में कभी इतना लंबा मतों का अंतर कभी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी लगातार जन अपेक्षाओं के साथ काम कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार हमने तैयारी करी, जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए, उसका ये परिणाम है। और कांग्रेस पार्टी लगातार मैदान से बाहर रही, ना कांग्रेस पार्टी द्वारा कोई अभियान चलाया गया, ना कोई आंदोलन चलाया गया। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते रहे, परिणामों के बाद भी लड़ रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं मैं अकेला नहीं हारा हूँ, सभी लोग हारे हैं। अरुण यादव अलग बात कर रहे हैं, उमंग सिंगार अलग बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी पार्टी नहीं है, घरों का कुनबा है। क्या आपको लगता है, यहाँ हालांकि जीतू पटवारी ने आगे आकर ये इस बात की जिम्मेदारी ली है कि जो नतीजे आए हैं उस हार की जिम्मेदारी वो लेते हैं, लेकिन ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस आलाकमान का आशीर्वाद उन्हें हासिल है। क्या आपको लगता है कि जो नई कांग्रेस, नया संगठन उम्मीद की जा रही है कि एक युवा कांग्रेस तैयार हो गया मध्य प्रदेश के अंदर, क्या आपको लगता है कि उससे आसान होगी MP में कांग्रेस की राह, या उस नई कांग्रेस का तैयार हो पाना आसान लगता है? देखिए, कांग्रेस को बहुत आज जो स्थितियां हैं, महंगाई की स्थिति है, बेरोजगारी की है, इसमें परिस्थितियां तो ऐसी हैं कि लोग व्यवस्था से नाराज हैं, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है, और उसके चलते अब ये है कि काडर बनाना पड़ेगा, समस्याओं के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, जमीनी आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा, और जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, यहाँ गांव-गांव में, पंचायत स्तर पे संघर्ष करना पड़ेगा। भूपेंद्र जी जुड़ गए एक बार। भूपेंद्र जी, अजय जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता इस बात को लेकर मजाक उड़ा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने 10 सालों में तो संघर्ष किया ही नहीं। अभी जो है इनको 6 महीने गए हुए हैं, और जब ये वापस अर्जी लगाएंगे पार्टी में वापस आने की, तब इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरी बात मैं ये करना कहना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल एप्लीकेशन का इंतजार आपका स्वागत है, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर। मैं आपसे पहले ही कहा कि हम लोग जो है इस चीज को रिव्यू कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चर कर, सारे मुद्दे चले कौन से नहीं चले। आज आप देखें कि मध्य प्रदेश की हालत क्या है, 84 करोड़ रुपया अकेले एक विभाग PHE में जो है गोलमाल हो गया, अभी ग्वालियर में पकड़ा गया जी। ये जो है 36 करोड़ रुपया जो है लोगों ने अपने खातों में जमा कर लिया, सरकारी खाता, जिन किसानों को मुआवजा दिया जाना था वो पैसा जो है अपने उसमें जमा कर लिया। 36 पटवारियों के खिलाफ, सर, तमाम घोटाले जिनकी आप बात कर रहे हैं, बड़ा मुद्दा है, बड़ा हथियार है कांग्रेस के लिए विपक्ष के तौर पर सरकार को घेरने का। और इतना ही समय था मेरे पास, बहुत धन्यवाद आप सभी के चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस का मंथन जारी है, देखना यह होगा कि जब मंथन में माथापच्ची जारी रहेगी तो उसके बाद निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।